हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करे एजुकेशन। मेरा नाम है अंजलि वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कबीरदीनम बाल किरण स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस हाईली क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिवर्सिटी का मिलने वाला है इस वीडियो में। सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी लोकेटेड कहाँ पर है। ये कबीरदीनम बाल किरण रिपब्लिक में रशिया में लोकेटेड है और ये यूनिवर्सिटी NMC, MCI, WHO अप्रूव्ड है। और साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं कि यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई थी, 5th अप्रैल 1957 में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, पुरानी है पर बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। और अगर मैं इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन ऑफ द रशियन फेडरेशन है। अब मूव करते हैं आपके MBBS के कोर्स की तरफ कि आपका कोर्स कितने टाइम का होने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। तो आपका कोर्स जो होने वाला है वो कंप्लीट 6 ईयर का होने वाला है, जिसमें आपकी 5 ईयर्स की स्टडीज होंगी, जिसमें आपकी प्रैक्टिस और थ्योरिकल स्टडीज दोनों होंगी। और साथ ही साथ आपका 1 ईयर का लास्ट ईयर जो आपका 6th ईयर होगा वो कंप्लीट पूरा साल आपका इंटर्नशिप का होगा। ये इंटर्नशिप करने के लिए आपको कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ही आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी और बजट में करेगी। जो बजट में आपको बताने वाली फीस स्ट्रक्चर, उसी के साथ में ये यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करने वाली है। आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने होंगे इस इंटर्नशिप के लिए। इतना एटलीस्ट आपका बजट होने वाला है कंप्लीट 6 ईयर का, जिसमें आपका इंक्लूड होगा फूड, हॉस्टल और आपकी ट्यूशन फी। लेकिन हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 2 to 3 lakhs अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर चले, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं और आपके असाइनमेंट्स भी होते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे पैसे आपके खर्च हो जाते हैं। तो आप अपना एटलीस्ट 3 to 4 lakh एक्स्ट्रा लेकर चले आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए, बचा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मूव कर लेते हैं वैलिडिटी की तरफ कि क्या यहाँ से आपकी पास आउट डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं, या फिर आप किसी और कंट्री में जाकर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं या नहीं। नो डाउट आप अपनी प्रैक्टिस इंडिया में क्या कहीं पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ग्लोबली अप्रूव डिग्री है। क्योंकि यहाँ पर रशियन एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है तो आपको डिग्रीज को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी डिग्री हर कंट्री में वैलिड होगी। लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम होने वाला है। फर्स्ट ईयर में आपको रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी ताकि आप इंटर्नशिप के टाइम पे लोकल पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर पाओ, उनसे बात कर पाओ। और अगर आप उसमें भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक ट्रांसलेटर भी देगी साथ में, वो आपकी हेल्प करेगा। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका स्टिल कोई डाउट रह गया है, अगर थोड़ा सा भी आपके माइंड में थोड़ा सा भी क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेकर के, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। इवन और इवन अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे आपका इन्विटेशन लेटर दिलवाने में। हम गारंटी लेते हैं आपके इन्विटेशन लेटर की। इवन और इवन आपके डॉक्यूमेंटेशन और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का ख्याल रखते हुए आपको गाइड करेंगे और साथ ही साथ में आपको प्रोसेस फॉलो करने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।